हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सेवन्थ के स्टूडेंट सभी चैप्टर नंबर टू आप ओपन कर लेंगे। और चैप्टर नंबर टू में हम अब यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक को हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है आपका इंटीजर्स, मैंने लिख दिया यहाँ पे इंटीजर्स, चैप्टर टू इंटीजर्स और एक्सरसाइज 2.1 आपकी स्टार्ट होगी यहाँ पर। और देखिए, इंटीजर्स को सबसे पहले पढ़ने से पहले, रीड करने से पहले, समझने से पहले, हम सबसे पहले जो हमने लास्ट अपनी क्लास में पढ़ा है, यानी कि क्लास सिक्स में आपने पढ़ा होगा, फिफ्थ क्लास में पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। तो ये आपको बताया गया होगा पहले भी, नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या होते हैं। मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं और होल नंबर क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऐसे ऐसे अनलिमिटेड, मतलब इसकी कोई, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारे नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। अच्छा, आगे होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर वो होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इससे आगे आगे, मतलब अनलिमिटेड, ठीक है, कोई भी सीमा नहीं है, ठीक है, नॉट डिफाइंड। तो अब देखिए यहां पे आप कह रहे होंगे सर ये तो जीरो से स्टार्ट होते हैं या वन से स्टार्ट होते हैं, यानी कि वन के आगे के जितने भी नंबर हैं सारे नेचुरल नंबर है। यस राइट। और देखिए यहां पे जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, यानी कि वन से जितने भी स्टार्ट होते हैं सारे नंबर, वो सारे होल नंबर भी होते हैं, ठीक है। ओनली होल नंबर में जीरो ही एक, मतलब मेन होता है जिसको आपको लर्न करना है कि जीरो, जीरो से जो स्टार्ट होता है वो होल नंबर होता है और नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होता है, वन से स्टार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, तो आप इसको देखो, देख भी सकते हैं पेज नंबर 10 पे आपके दिया हुआ है बुक्स में, नेचुरल नंबर्स मींस ऑल काउंटिंग नंबर्स एक्सपेक्ट जीरो आर नोन एज नेचुरल नंबर, यानी कि जितनी भी काउंटिंग है, टोटल काउंटिंग जो है उसको एक्सपेक्ट जीरो, यानी कि जीरो को छोड़ करके सारे नंबर नेचुरल होते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, 1, 2, 3 etc आर नेचुरल नंबर। और देखिए आगे है होल नंबर, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, नेचुरल नंबर जितने हैं और इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को भी इंक्लूड कर लिया गया, दैट कॉल्ड होल नंबर, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, मतलब अनलिमिटेड, कोई पता नहीं है कहां तक है, ठीक है। सो होल नंबर, ये सभी होल नंबर होते हैं। सो वी कैन से दैट ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ओनली जीरो इज होल नंबर विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर, जो कि जीरो क्या है, जीरो नेचुरल नंबर ही है, बाकी सब नेचुरल नंबर है और होल नंबर है, ठीक है। इंटीजर क्या है, इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे, ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, आप अपनी बुक में ध्यान देंगे तभी आपको समझ आएगा, ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो एंड निगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर आर नोन एज इंटीजर्स, यानी कि ऑल नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर, जीरो, जीरो भी इंक्लूड कर लिया, इंक्लूडिंग जीरो एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आर नोन एज इंटीजर, यानी कि इसमें बताया गया इंटीजर में क्या होता है कि जितने भी नंबर हैं, माइनस में हो, प्लस में हो, ठीक है, और जीरो हो, तो वो सब क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे इधर भी और ऐसे इधर भी, ठीक है। अच्छा, ये जीरो मिड पॉइंट हो गया, जीरो से उधर 1, 2, 3 स्टार्ट होता है और जीरो से इधर 1, 2, 3 माइनस में स्टार्ट होता है, इधर प्लस, इधर माइनस, प्लस सो नहीं होता है, प्लस को सो नहीं किया गया है, हम ऐसे ही लिखते हैं प्लस, नहीं तो हम यहां लिख भी सकते हैं, अदरवाइज लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये अंडरस्टैंड है, यानी कि ये पहले से हम पहचान सकते हैं कि ये प्लस है सारी चीजें, ठीक है। माइनस है तो ये माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस लिखा जाएगा इसके इसके आगे, ठीक है। तो जीरो से इधर जो होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये सभी माइनस और इंटीजर होते हैं, और जीरो से उधर जो होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, यानी कि इनको नेगेटिव इंटीजर बोला जाता है, नेगेटिव इंटीजर बोला जाता है, और इनको आगे जितना भी है ये सब पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो ये भी आपको याद करना होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर कौन कौन से होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखो एग्जांपल भी दिए हुए हैं, 1, 2, 3 आर पॉजिटिव इंटीजर और -1, -2 आर नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। अच्छा, जीरो क्या है, जीरो क्या है, जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है, यानी कि ना तो ये है निगेटिव, ना ही ये पॉजिटिव है, कोई भी नहीं है, ठीक, सिर्फ ओनली ये इंटीजर है, ना ही ये निगेटिव इंटीजर है ना पॉजिटिव इंटीजर, ओनली दिस इज कॉल्ड इंटीजर, ठीक है। नाइदर
Neither a negative nor a positive. ठीक है, तो ये इंटीजर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी मैंने सबसे पहले आपको नेचुरल नंबर बताया 1, 2, 3, 4, 5, 6 और होल नंबर में जीरो इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, इंटीजर मैंने टू टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। और इंटीजर्स में माइनस भी होता है, प्लस भी होता है, 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, कुछ आपको मैंने इंपॉर्टेंस थिंग्स मैंने बताई है, सब इंपॉर्टेंस। ठीक है, अब आपको कुछ चीजें याद करनी होंगी, वो इस चैप्टर में दी हुई हैं, किस तरीके से शॉर्ट आउट करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखिए ध्यान से आप सभी लोग, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये चीजें लर्न होनी चाहिए। छोटी चीजें हैं, अभी आगे भी आपको मल्टीप्लाई वाले चैप्टर स्टार्ट होगा तो मल्टीप्लाई वाली मैं बताऊंगा, मल्टीप्लाई में कैसे किस तरीके से इनके साइन और इनको प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, देखिए अगर कभी प्लस और माइनस, प्लस वाला भी इंटीजर लिखा हुआ है, माइनस वाला भी इंटीजर लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे वहां पर? माइनस करेंगे। आपको लर्न करना होगा, इट इज ए फॉर्मूला है। ठीक है, प्लस और माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस 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 होता है और माइनस माइनस प्लस होता है। ये आपको लर्न करना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, साइन कैसा लगाएंगे? साइन अगर इंटीजर हैं, प्लस के भी लिखे हुए हैं, माइनस के भी लिखे हुए हैं, तो क्या करेंगे उसमें? माइनस करेंगे। और माइनस के लिखे हैं, प्लस के लिखे हैं, तो माइनस करेंगे। लेकिन हम साइन कैसे लगाएंगे? साइन यानी कि निशान किस तरीके का लगाएंगे? प्लस माइनस, माइनस तो कर दिया, लेकिन अब हम साइन कौन सा लगाएंगे? माइनस का लगाएं या प्लस का? विच इज ग्रेटर, जो बड़ा है उसको लगाएंगे। ऐसे माइनस प्लस में से विच इज ग्रेटर, और जहां प्लस प्लस है वहां प्लस लगाएंगे, जहां माइनस माइनस है वहां माइनस लगाएंगे। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये चारों चीजें आपको पता होना चाहिए कि साइन किस तरीके का लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.1, देखिए एक्सरसाइज 2.1 आप सभी लोग अपनी बुक में निकाल लें। और मैंने जो अभी सारी चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें बताई थी इस चैप्टर की, वो सारी चीज़ें आप लर्न करेंगे और कॉपी में भी लिखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, देखिए एवेल्यूएट करना है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है 7 + -4, 7 प्लस और ये ब्रैकेट में दिया हुआ है -4, यानी कि ये अलग है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने आपको बताया था अभी प्लस माइनस जहाँ पे लिखा हो उसको क्या करते हैं? माइनस। आपको मैंने नीचे जो बताया था फॉर्मूला किस तरीके से आपको याद करना है, वो आपको याद करना होगा। प्लस और माइनस लिखा हो तो माइनस। ठीक है, 7 में से 4 गया तो कितना हो गया? 7 में से 4 गया तो आपका आंसर आ जाएगा 3। इसका आंसर हो गया 3। अब देखिए यहां पे हमने 3 के आगे कौन सा साइन लगाया ये पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, पहले से हम इसको अंडरस्टूड है। इसके आगे क्या है? पहले से प्लस है। इसके आगे भी क्या है? पहले से प्लस है। तो यानी कि जो ग्रेटर है उसका नंबर, उसका ही हम यहाँ पे साइन लगाएंगे। तो प्लस, ये पहले से लिखा होता है तो इसको मतलब अंडरस्टूड होता है ये। अगर कोई भी साइन आगे नहीं लिखा हुआ है तो यानी कि पहले से वहां पर प्लस है, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 7 से 4 गया तो 3 हो गया। ठीक है, तो 7 ग्रेटर है तो ग्रेटर का प्लस हो गया। ओके, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3 कोई भी आप देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 इसका देख सकते हैं, -8 + -9, -8 + -9। तो कैसे करेंगे? -8 पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। -8 - -9 कितना हो गया? -8 - -9। मैंने बताया था माइनस माइनस के जहां पर होंगे वहां पे क्या करेंगे? उनको प्लस करेंगे। जैसे मैं एक बार आपको दोबारा से लिख के बता देता हूं, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए साइन कौन कौन से लिखेंगे हम? जो ग्रेटर है, जो ग्रेटर है इसमें भी ग्रेटर लिखेंगे। मैं लिख देता हूं ग्रेटर, प्लस प्लस इसमें प्लस लिखेंगे, इसमें माइनस। ठीक है, अब देखिए यहां पे देखिए माइनस माइनस के साइन है, माइनस 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 माइनस, यानी कि इसमें क्या करना है? प्लस करना है। तो प्लस करेंगे इनको, 8 और 9 17। अब देखिए साइन कौन सा लगाना है? माइनस। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अभी मैं एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दिखाता हूं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर दिखा हुआ है 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 63 + -44 ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको देखो कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। 63 + -44। अब देखिए 63 में से 44 माइनस कर दे तो कितना आएगा? 3 में से 4 गया 1, 2, 3, 4, 9, 49, 5 में से 4 गया 1, यानी कि 19, यानी कि 19 आ गया। 63 में से 44 माइनस किया तो 19 आ गया, यानी कि 19 आ गया। तो इसमें अब साइन कौन सा आएगा? प्लस माइनस माइनस।
हमने माइनस किया, लेकिन अब इसमें से प्लस में से भी माइनस किया जा रहा है, तो माइनस, अब जो ग्रेटर है यहाँ पे देखिए साइन कौन सा लगाएंगे, ग्रेटर, तो ग्रेटर कौन सा है, ये वाला ग्रेटर है या ये ग्रेटर है, यानी कि जो बड़ा है, तो 63 बड़ा है, तो 63 यानी कि प्लस का है, तो प्लस का आंसर हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर टू भी आपको क्वेश्चन नंबर सारे सेम ऐसे ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करेंगे हम, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की हम बात कर रहे थे एडिटिव इनवर्स, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ, देखिए पहला क्वेश्चन है 76, तो एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो एडिटिव इनवर्स का सीधा सीधा सिंपल आपको मैं मेथड बता देता हूं। जो भी अगर साइन इसके पास है, साइन चेंजिंग होती है सिर्फ, और कुछ नहीं होता है एडिटिव इनवर्स में, साइन चेंज करना, जैसे इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस है, अंडरस्टूड है, तो इसका इनवर्स हो जाएगा -76। ऐसे क्वेश्चन नंबर में आपको थर्ड बता देता हूं, थर्ड लिखा हुआ है -64, यानी कि इसका, इसके सामने साइन कौन सा है, माइनस, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +64, ओनली साइन चेंज होता है। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं, सब्ट्रैक्ट, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे सब्ट्रैक्ट 48 फ्रॉम -96। देखिए वर्ड को हमें थोड़ा सा समझना है, यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 48 फ्रॉम -97, तो हमें सेपरेट करना है, यानी कि फ्रॉम मतलब इसमें से इसको माइनस करना है, -97 में से 48 को माइनस करना है, तो फ्रॉम यानी कि यहां पे देखो इसी वर्ड को आपको समझना है, इसमें से इसको माइनस करना है, 48 फ्रॉम -97, 97 में से 48 को माइनस करना है, तो -97 -48 इसको माइनस करना है। अच्छा, अब इसको कैसे माइनस करेंगे, मैंने आपको बताया था, एक बार और मैं आपको लिख के बता देता हूं कि प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, और देखिए सॉरी माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और साइन क्या होगा, ग्रेटर ग्रेटर और प्लस और माइनस। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, हो सकता है मैंने लास्ट वीडियो में बताया था वहाँ पे माइनस 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 लिख दिया हो, बट यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, हो सकता है बाई मिस्टेक मैंने लिख दिया हो। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमको, माइनस माइनस क्या करना है, माइनस माइनस क्या करना है, इसमें प्लस करना होगा, तो प्लस करेंगे इनको क्या आएगा, 875 9 4 13 और 114। अब देखिए साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस तो कर दिया, लेकिन साइन कौन सा होगा, माइनस का, तो आगे साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस का। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉर्ट आउट करने होंगे। अब मैं इसके बाद एक और आपको एक क्वेश्चन इसमें समझा देता हूं, एक क्वेश्चन और आप समझ ले इसमें, जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपके लिए हो सेकंड को देख लेते हैं हम, -67 फ्रॉम 23। देखिए 23 में से -67 को माइनस करना है, 23 -67 यहां ध्यान देंगे, -67 को हमें सॉर्ट आउट करना है, तो 23 माइनस माइनस क्या होते हैं, माइनस माइनस प्लस होते हैं, प्लस 67, अब इनको प्लस कर दो, 73 0 62 8 और 1 9, अब प्लस 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 और साइन भी प्लस। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन सारे आपको करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, इज ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में प्लस सी इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी करेक्ट, इफ यस देन राइट द नेम ऑफ प्रॉपर्टी। अब देखिए मैंने प्रॉपर्टी के बारे में अभी डिस्कशन आपसे नहीं किया है, आगे मैं किसी और चैप्टर में आपको बता दूंगा इन प्रॉपर्टियों के बारे में। तो अभी देखिए इसमें आप पेज नंबर 11 पे आ जाएंगे, तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, इस प्रॉपर्टी का नाम देखो लिखा हुआ है यहां पर, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, ठीक है, तो इसका आप यस लिखेंगे आंसर, और लिख देंगे दिस प्रॉपर्टी नेम इज एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, चैप्टर एक्सरसाइज 2.1। तो थैंक यू सो मच, और कोई प्रॉब्लम है इसको इस चैप्टर में तो आप मुझसे इस वीडियो के लिंक में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।